आज इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं तो झारखंड उत्पाद सिपाही का दौर कब होने वाला है और एग्जाम कब होने वाला है उसके बारे में बात करने वाले हैं। उससे पहले हम आपको जानकारी दे दें कि झारखंड एक्साइज पुलिस का जो सिलेबस है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं और जो दौड़ होगा वो कितना किलोमीटर दौड़ होगा और जो फीमेल कैंडिडेट है उनका कितना किलोमीटर दौड़ होगा उस पर बात करेंगे। कितना हाइट चाहिए, कितना सीना मांगता है, कब आपका हाइट का मतलब जांच करेगा, कब आपका रनिंग होगा, ये टोटल विवरण इस वीडियो में बताएंगे। इससे पहले बता दें कि मेरा नाम सुमन हुआ, सुमन क्लासेस चलता है मेरा हजारीबाग में और बाबू हजारीबाग में दो ब्रांच है मेरा, एक बाबू गांव है एक अनंदा चौक है। अब क्लास करना चाहते हैं दोनों जगह क्लास आपको डिजिटल क्लास रूम दिया जाएगा और बाबू गाँव में भी कीजिएगा तो बाबू गाँव में भी आपको डिजिटल क्लास रूम के थ्रू पढ़ाएंगे और आपको अनंदा चौक में भी पढ़ाएंगे। और आपको अब जो क्लास मेरा ऑनलाइन क्लास होगा एप्लीकेशन के माध्यम से होगा सुमन क्लासेस बाय सुमन सर। अभी 15 तारीख से एक क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, पहले मेरे पास कैमरा वगैरह था नहीं, कर कैमरा के थ्रू हम क्लास देंगे तो बहुत हाई क्वालिटी में हम आपको क्लास देंगे, हाई क्वालिटी में आपको क्लास देंगे, वीडियो का जो क्वालिटी होता है बहुत बेहतर से पढ़ाएंगे। तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो यहाँ देखिए मेरा स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, इस पर कॉल कर सकते हैं। एक ब्रांच मेरा बाबू गांव में है और दूसरा ब्रांच जो है मेरा अनंदा चौक में है और ये रहा मेरा मोबाइल नंबर। चलिए फिर अभी हम लोग बात करते हैं उत्पाद सिपाही के बारे में। तो उत्पाद सिपाही 2018 में भर्ती आया हुआ था और 2018 के बाद फिर आया और फिर कैंसिल हुआ, उसके बाद अभी आया हुआ है उत्पाद सिपाही भर्ती। उत्पाद सिपाही का जो भर्ती आया हुआ है तो उसमें सबसे पहले होगा वो होगा आपका रनिंग होगा और रनिंग आपका जो होगा रनिंग यहाँ देखिए कि 2024 में चुनाव है, 2024 में आपका चुनाव है और 2024 में जो चुनाव है और चुनाव 2024 में आपका जून जुलाई से होना शुरू हो जाएगा। तो उससे पहले जो भी सरकार निकालेगी भर्ती तो उससे पहले निकालेगी, सरकार के पास उतना समय नहीं है। आप ऑलरेडी ये उत्पाद सिपाही आपका दो बार फॉर्म आ चुका है तो अभी फॉर्म भरा रहा है, जून जुलाई गैपिंग देगा और आपका जुलाई के बाद जून जुलाई अगस्त अगस्त में आपका रनिंग ले लेगा। यानी रनिंग का आपके पास समय नहीं है, मात्र 2 महीना समय है, आपको रनिंग करना स्टार्ट कर देना है। यानी 2 महीना के बाद आपका रनिंग ले लेगा और 2 महीना बाद रनिंग के बाद फिर 2 महीना बाद एग्जाम लेगा। यहाँ देख रहे हैं कि जो रनिंग होगा जो पुरुष कैंडिडेट है, पुरुष कैंडिडेट तो पुरुष कैंडिडेट के क्या है कि 10 किलोमीटर जो रनिंग करना है उनका तो 10 किलोमीटर करना है 60 मिनट में, 10 किलोमीटर करना है 60 मिनट में। यानी कहने का मतलब हुआ कि आपको एक रोड सब फील्ड के मारिएगा तो 400 मीटर के रहेगा, कितना रहेगा 400 मीटर के रहेगा और आपको 10 किलोमीटर दौड़ना है तो आपको कम से कम भी तो आपको 25 राउंड मारना पड़ेगा, यानी एक फील्ड के 25 राउंड आपको दौड़ना पड़ेगा। तो अभी से ही प्रैक्टिस कर लीजिए कि फील्ड में आप जो रनिंग करना है तो लंबा दूरी दौड़िए, लंबा दूरी दौड़िए और आपका जो रनिंग होगा वो रोड में नहीं होगा, फील्ड में ही होगा, चिप लगा रहेगा और वही चिप से कोटिंग होगा। और आपके पास मात्र बचा हुआ है तो 2 महीना बचा हुआ है। और जो फीमेल कैंडिडेट है उनका है 5 किलोमीटर 40 मिनट में, 5 किलोमीटर जो रनिंग है 40 मिनट में तो उन लोग का भी जो 400 मीटर है करीब 12.5 मिनट ही, 12.5 या 13 रोड के उनको लगभग प्रैक्टिस करना है। हम क्या बोले कि जिनका बॉय लोग हैं उनको 25 रोड का प्रैक्टिस करना है और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको 12.5 रोड के प्रैक्टिस करना, यानी 13 रोड के प्रैक्टिस करना है। तो आप लोग को दौड़ना स्टार्ट कर देना है क्योंकि आपका रनिंग नहीं होता है तो ना ही आप एग्जाम में बैठ सकते हैं। और जो बंदा झारखंड पुलिस के वेट कर रहे हैं अक्टूबर से उसका फॉर्म आने वाला है, झारखंड पुलिस दरोगा दोनों फॉर्म आने वाला है और अच्छा खासा सीट आने वाला है क्योंकि अभी आप देख रहे हैं सीजल के डायरेक्ट दुगना सीट कर दिया गया है, सीजल के डायरेक्ट दुगना सीट कर दिया गया है तो वो फॉर्म जल्दी ही आने वाला है। अब हम बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं आगे, आगे हम देखें ध्यान से देखिए कि झारखंड का जो आपका उत्पाद सिपाही जो हाइट और जो चेस्ट नापता है उसके बारे में बताते हैं। तो जो जनरल कैंडिडेट है आगे देखिए आपका रनिंग होगा उसी समय हाइट और चेस्ट नापा जाएगा, रनिंग होगा उसी समय
हाइट और चेस्ट अपर जाएगा। जो हाइट रहेगा जो जनरल कैंडिडेट है और जो ओबीसी कैंडिडेट है उनका हाइट रहेगा 160 सेंटीमीटर रहेगा। उनका जो हाइट रहेगा 160 सेंटीमीटर रहेगा। कौन? जो जनरल कैंडिडेट है, जनरल कैंडिडेट और जो ओबीसी कैंडिडेट है उनका 160 सेंटीमीटर हाइट रहेगा। और जो चेस्ट रहेगा वो रहेगा 81 सेंटीमीटर रहेगा। क्या रहेगा? 81 सेंटीमीटर रहेगा। ये जो हम बता रहे हैं साइंस फील्ड का जो सिलेबस आया हुआ है, नोटिफिकेशन आया हुआ है, नोटिफिकेशन के थ्रू हम आपको बता रहे हैं। और जो एसटीएस कैंडिडेट है उनका 155 हाइट रहेगा और उनका जो चेस्ट रहेगा वो 29 रहेगा। जो अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए उनको हम बताइए थी कि ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस 160 सेंटीमीटर और चेस्ट 81 रहेगा। 81 और 5 सेंटीमीटर फुलाना रहेगा, फुलाने में भी प्रैक्टिस करना आपको। और जो एसटीएससी कैंडिडेट है उनका 55 सेंटीमीटर हाइट रहेगा और 29 रहेगा चेस्ट रहेगा, उस पर 5 सेंटीमीटर को फुलाना है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, आगे बात करते हैं। आप देख सकते हैं तो झारखंड अथी एग्जाम के बारे में बात करते हैं। अभी तक हमने क्या बात की? रनिंग के बारे में बात की कि रनिंग 2 महीने बाद होने वाला है। उसके बाद बात की कि रनिंग के समय हाइट और चेस्ट नापा जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग क्या बात करने वाले हैं एग्जाम का। तो दिन 3 पेपर होगा, पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 होगा। 6 घंटा का एग्जाम होगा। कितना घंटा एग्जाम होगा? 6 घंटा एग्जाम होगा। और 6 घंटा जो एग्जाम होगा एक ही दिन में होगा। और एक ही मुख्य परीक्षा है। एक क्वेश्चन पे आपको 3 नंबर दिया जाएगा और एक गलत पे 3 नंबर काट लिया जाएगा। पहला जो पेपर रहेगा उसमें हिंदी रहेगा, यहाँ पे हिंदी रहेगा। यहाँ बात करते हैं पहला पेपर यहाँ आप देख रहे हैं। पहला पेपर में आपका 80 प्रश्न हिंदी से रहेगा और अंग्रेजी से 40 प्रश्न रहेगा। अंग्रेजी से कितना प्रश्न रहेगा? तो 40 प्रश्न रहेगा, है ना। 80 प्रश्न रहेगा हिंदी से और अंग्रेजी से 40 प्रश्न रहेगा। टोटल 120 क्वेश्चन रहेगा। हम बोले एक क्वेश्चन पे 3 नंबर और एक क्वेश्चन पे 1 नंबर काट दिया जाएगा। यानी पहला पेपर रहेगा आपको 360 नंबर का और इससे मेरिट नहीं बनेगा। कम से कम आपको 30% लाना है, 30% लाइएगा उसके बाद ही पास कीजिएगा। कहने का मतलब हुआ यहाँ पर देखते हैं 6 3 18 हाथ में 1 3 3 9 10 यानी 108 नंबर कम से कम लाना ही पड़ेगा आपको। 108 नंबर लाते हैं तभी आप पास कर पाइएगा, नहीं तो आप ना ही पेपर 2 जांच किया जाएगा ना ही पेपर 3। कम से कम भी 36 क्वेश्चन पार करना पड़ेगा, जिसमें जो 80 क्वेश्चन रहेगा 20 को रहेगा कथांश रहेगा, बाकी 60 रहेगा व्याकरण रहेगा। लूसेंट व्याकरण ले लीजिएगा, काफ़ी रहेगा। अब बात करते हैं अंग्रेजी भाषा के, तो लूसेंट ग्रामर ले लीजिएगा, लूसेंट ग्रामर ले लीजिएगा जो 40 नंबर का रहेगा, ठीक है। 40 क्वेश्चन रहेगा, 40 नंबर नहीं 40 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन 120 है, नंबर जो है वो है 360 है, क्लियर। ये रहा पेपर 1 का। अब बात करते हैं पेपर 2 का। तो पेपर 2 में आपको भाषा लेना पड़ेगा, जो भाषा लीजिएगा या तो आप हिंदी ले सकते हैं, या तो आप इंग्लिश ले सकते हैं, या संस्कृत ले सकते हैं, या तो खोटा ले सकते हैं या नागपुरी। मेरे यहाँ जो क्लास होता है लैंग्वेज पेपर का, तो वो खोटा की क्लास मेरे यहाँ अवेलेबल है, नागपुरी की क्लास मेरे यहाँ अवेलेबल है, हिंदी का मेरे यहाँ क्लास अवेलेबल है। और अभी हिंदी का सेट पेपर भी हम तैयार कर दिए हैं मात्र 80 रुपये में, जिसमें टोटल क्वेश्चन आपको रहेगा किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपको 4-5-6 दिन के बाद मेरा एप्लीकेशन सुमन सर एप्लीकेशन पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा। और आप ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो बाबूगांव अंदर चौक में पढ़ाते हैं, जो स्क्रीन पे नंबर दे रहा हूँ उस पर आप संपर्क कर लीजिएगा। चलिए यहाँ भाषा का बोले कि हिंदी अंग्रेजी बहुत सारे बोलते हैं सर हिंदी हटा दिया गया है, उसका प्रमाण कहाँ है? यहाँ देखिए हम कहाँ से कहा है नोटिफिकेशन से, और यहाँ देखिए हिंदी लिखा हुआ, हिंदी अंग्रेजी संस्कृत ये तीनों पूछेगा, यानी ये हटा दिया गया था अगर अभी जोड़ दिया गया है तो हिंदी अंग्रेजी संस्कृत उर्दू संताली बंगला मुंडारी हो खड़िया कुरमाली हो गया खोटा हो गया नागपुरी हो गया पचकन्ना हो गया उड़िया हो गया, ये सारा भाषा से रहेगा सवाल। तो आप बहुत जो भी ये सारा भाषा में एक ही भाषा से आप ले सकते हैं, जो भाषा आपका बढ़िया होगा वो भाषा से। हाँ हम बोलेंगे कि हिंदी जिसका बहुत बढ़िया है हिंदी आप ले लीजिएगा, बेहतर रहेगा, क्योंकि हिंदी का जो 10 क्लास कृति का सहजता पूछता है और उसका क्लास भी हम करवा देंगे, उसे वो खाली हिंदी करना होगा तो क्लास के ले रहे हैं मात्र आपका 399। और वो 500 पेमेंट करते तो
टेस्ट के साथ हम लेते हैं आपको 500 रुपया, ठीक है, टेस्ट के साथ हम आपको देंगे। तो आपका इसके अलावा आप छोटा ही पढ़ना चाहते हैं, छोटा ही टीचर अगर राजेश सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, नागपुरी के लिए रखे हैं, और नागपुरी पढ़ना चाहते हैं, जो मेरा स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है उस नंबर पे आप संपर्क कर लीजिएगा। ये रहा आपका लैंग्वेज का, हमने पेपर 1 बता दिए, पेपर 2 बता दिए, अब हम लोग बात करते हैं पेपर 3 का, ठीक है, पेपर 3 का बात करते हैं। पेपर 3 जो मेरा है, पेपर 3 का बात करते हैं, तो पेपर 3 आपका 120 क्वेश्चन रहेगा, जो मेरिट बनेगा वो आपका पेपर 2 से मेरिट बनेगा और पेपर 3 से मेरिट बनेगा। तो पेपर 2 का जो क्वेश्चन रहेगा वो 100 क्वेश्चन रहेगा, पेपर 3 का जो क्वेश्चन रहेगा 120 क्वेश्चन रहेगा। तो 120 जो क्वेश्चन रहेगा उसके बारे में हम बात करें, 120 क्वेश्चन में आपका झारखंड से 50 क्वेश्चन रहेगा, 50 क्वेश्चन रहेगा झारखंड से, और इसी में सबसे ज़्यादा नंबर उठेगा, इसी में सबसे ज़्यादा नंबर उठेगा जो झारखंड से। यानी आप लैंग्वेज पेपर बहुत बढ़िया कर लेते हैं 2-2 घंटा पढ़ के, और आप झारखंड ये कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया कवर कर लीजिएगा। उसके बाद आपका रहा साइंस का, तो साइंस का 20 नंबर, इसमें भी आपको नंबर उठेगा। उसके बाद रहा मैथ का, तो मैथ में बहुत ईजी क्वेश्चन देता है, उसमें भी नंबर उठेगा। और रहा 40 झारखंड जीके, ऑल इंडिया जीके में आपका 15 क्वेश्चन करेंट अफेयर अफेयर रहेगा, और 15 जो रहेगा आपका 25 क्वेश्चन हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, और आपका सौरमंडल वगैरह इस साल से क्वेश्चन रहेगा। तो हम क्या बोले कि आपका 3 पेपर होगा, एग्जाम आपको 4 महीना में हो ही जाएगा। तो आप एग्जाम की भी तैयारी कीजिए, भरपूर कीजिए, क्योंकि आप एक साइज पुलिस के सही ढंग से तैयारी करते हैं तो उसके बाद आपको झारखंड पुलिस का पकड़ा जाएगा, क्योंकि झारखंड पुलिस का अच्छा खासा बहाली आने वाला है सही। तो आप साइज पुलिस के सही ढंग से मेहनत करते हैं झारखंड पुलिस आएगा। और आपको ऐसे भी नौकरी लेना है तो 2024 से पहले लीजिए, 2024 में हम नौकरी नहीं ले पाते हैं, इतना आग रख लीजिए कि आपको 2028 तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जान रहे सरकार का एक अलग नीति आ गया है कि अब जब चुनाव आएगा उसी समय बाहर निकलेगा। अभी अभी हम यही सरकार झारखंड सरकार की बात करें तो 5 साल होने चला, जब लास्ट साल होने चला तो बहाली आ रहा है। इसके बाद सेंट्रल में मोदी जी की भी बात करें तो उनका भी वही कंडीशन है कि 5 साल तक चुनाव का टाइम आएगा, उस समय बहाली आएगा। तो आप लोग को पूरा सही ढंग से तैयारी करना है और इसी बार नौकरी लेना है। मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके मेरा वीडियो को शेयर कीजिए। और आप ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, मेरे यहाँ रहना चाहते हैं, सारा कुछ उपलब्ध है, तब कॉल कर लीजिएगा। ज़्यादातर हम दोपहर में फ्री रहते हैं तो दोपहर में कॉल कर लीजिएगा, या तो आप मिस कॉल मार के छोड़ दीजिएगा, हम आपको कॉल बैक कर लिया करेंगे, क्योंकि हम क्लास लेते रहते हैं उसमें कॉल हम उठा नहीं पाते हैं। चलिए फ्रेंड, धन्यवाद।